हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रबल पांडे आपका रैंकिंग ग्रेड एजुकेशन के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में हम आपको रीजनिंग से जुड़ा हुआ एक नया टॉपिक बताने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है आपका सीटिंग अरेंजमेंट्स। स्टूडेंट्स, सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे रहते हैं, तो उन ट्रिकी क्वेश्चन को हम कुछ सेकेंड में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए आपको कुछ ट्रिक्स क्वेश्चन के जरिए बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल रैंकिंग पीरियड एजुकेशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें और हमारे एप्लीकेशन रैंकिंग पीरियड एजुकेशन को जरूर इंस्टॉल कर लें। वहाँ पर आपको अपकमिंग और प्रीवियस क्लास के नोट्स YT क्लास नोट सेक्शन पर एप्लीकेशन में देखने को मिल जाएंगे, जहाँ से आप उसे फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं कुछ क्वेश्चंस आपके सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड। तो पहला टॉपिक है आपका लीनियर अरेंजमेंट। तो हम पहले लीनियर अरेंजमेंट के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड, जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आपका क्वेश्चन लीनियर अरेंजमेंट से रिलेटेड है। चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। सेवन फ्रेंड्स ए बी सी डी ई एफ एंड जी आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। डी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ एफ, जी सिट्स एट द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड, ए इज सिटिंग बिटवीन डी एंड बी, सी इज नॉट आइदर एंड, बी सिटिंग बिटवीन ए एंड सी बट इज नॉट एट आइदर एंड, हु इज सिटिंग एट द एक्सट्रीम राइट एंड। तो ये हमें पता करना है, तो पहले हम उसको बना लेते हैं। कितने काउंट करते कितने हैं फ्रेंड्स, सेवन फ्रेंड्स हैं, ठीक है। तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ये आपके सेवन फ्रेंड्स हो गए। और मान लीजिए आपका ये नॉर्थ है, नॉर्थ की तरफ ये लोग फेस करके बैठे हुए हैं, तो उनका ये पोर्शन जो है इस तरफ वाला, ये इनका हो जाएगा राइट और इस तरफ वाला पोर्शन इनका लेफ्ट हो जाएगा, क्योंकि ये नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं। तब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, डी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ एफ। तो मान लीजिए आपका डी जो है यहाँ पर है और वो एफ के राइट में बैठा हुआ है, जैसे क्वेश्चन में कह रहा है आपका। फिर क्या कह रहा है आपका, जी सिट्स एट द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड, और जी आपका कह रहा है एक्सट्रीम लेफ्ट की तरफ बैठा हुआ है, तो एक्सट्रीम लेफ्ट आपका ये हो गया बिल्कुल एकदम लेफ्ट में, यहाँ पे आपका जी बैठा हुआ है। फिर आपका कह रहा है ए इज सिटिंग बिटवीन डी एंड बी, तो यहाँ पे ए को बिठा देंगे हम और वो डी और बी के बीच में आ गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और फिर क्या कह रहा है आपका, सी इज नॉट एट आइदर एंड, इसका मतलब सी आपका किसी भी एंड में नहीं है। इधर तो जी हो गया आपका मोस्ट एक्सट्रीम लेफ्ट में, और मोस्ट एक्सट्रीम राइट में आपका क्या कह रहा है, बी नहीं होना चाहिए, मतलब सी आपका नहीं होना चाहिए, सी इज नॉट एट आइदर एंड, तो सी आपका कन्फर्म है यहाँ पर होगा। फिर आपका कह रहा है बी इज सिटिंग बिटवीन ए एंड सी, ठीक है, बी आपका ए और सी के बीच में बैठा ही हुआ है, बट इज नॉट एट आइदर एंड, और वो किसी भी एंड की तरफ नहीं है, इधर तो जी इधर तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब क्या मिसिंग नंबर है यहाँ पे, ए बी सी डी ई आपका मिसिंग, तो ई हम यहाँ पर इसको एक्सट्रीम राइट में प्लेस कर देंगे जो कि मिसिंग था। अब क्या पूछ रहा है इसमें, हु इज सिटिंग एट द एक्सट्रीम राइट एंड, तो एक्सट्रीम राइट एंड आपका ई आ गया आंसर स्टूडेंट, तो ई आपका स्टूडेंट करेक्ट आंसर हो गया जो कि एक्सट्रीम राइट की तरफ बैठा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है देर आर एट स्टूडेंट्स पी क्यू आर एस टी यू वी एंड डब्ल्यू सिटिंग इन अ स्ट्रेट रो, टी इज टू द लेफ्ट ऑफ आर बट टू द राइट ऑफ पी, क्यू सिट्स एट वन ऑफ द एंड्स, यू इज सिटिंग राइट ऑफ एस, वी इज सिटिंग बिटवीन क्यू एंड डब्ल्यू, हु इज सिटिंग एट द मिडिल ऑफ द रो। चलिए इसको भी ऐसे देखते हैं हम, एट स्टूडेंट्स हैं, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट, ये आपके एट स्टूडेंट्स हो गए। अब इनको प्लेस करेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और मान लीजिए इस तरफ ही आपका फेस करके बैठे हुए हैं, तो ये इस तरफ वाला पोर्शन का राइट हो गया, राइट साइड हो गया, और इस तरफ वाला पोर्शन का लेफ्ट हो गया। आप देखते क्या कह रहा है क्वेश्चन में, दे आर सेटिंग इन अ स्ट्रेट रो, ठीक है, टी इज टू द लेफ्ट ऑफ आर, तो टी को हम, टी कह रहा है कि लेफ्ट ऑफ आर है, तो आर के लेफ्ट में हम टी को प्लेस कर देंगे, ठीक है। फिर कह रहा है बट टू द राइट ऑफ पी, लेकिन पी के राइट साइड है, तो पी के राइट साइड टी कर देंगे लेकिन आर के वो लेफ्ट हैंड, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। फिर क्या कह रहा है, क्यू सिट्स एट वन ऑफ द एंड्स, तो मान लीजिए आपका क्यू इस तरफ एक कोने में बैठा हुआ है लेफ्ट साइड, मोस्ट एक्सट्रीम लेफ्ट में हमने एज्यूम कर लिया कि आपका क्यू यहाँ पे बैठा हुआ है। फिर क्या कह रहा है, यू इज सिटिंग राइट ऑफ एस, यू आपका जो है राइट ऑफ एस, एस के राइट में आपका यू बैठा हुआ है, तो एस यू इज सिटिंग राइट ऑफ एस, तो एस के राइट में आपका यू मैंने बैठा दिया। फिर क्या कह रहा है, वी सिटिंग बिटवीन क्यू एंड डब्ल्यू,
और वी आपका क्यू एंड डब्ल्यू के बीच में बैठा हुआ है, तो वी को यहाँ कर देंगे और क्यू और डब्ल्यू के वो बीच में आपका वी आ गया। फिर क्या क्वेश्चन में कह रहा है, क्या पूछ रहा है, हु इज सिटिंग एट द मिडिल ऑफ द रो, तो रो के मिडिल में कौन सा स्टूडेंट जो है आपका बैठा हुआ है। चलिए काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो मिडिल में तो आपका स्टूडेंट पी एंड टी जो हैं, ये दोनों स्टूडेंट जो हैं आपके बैठे हुए हैं पी एंड टी। तो बी ऑप्शन स्टूडेंट आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया, क्योंकि ये तीन तो साइड में हैं, ये तीन भी आपके साइड में हो गए, तो बीच में बैठे ये दोनों, तो पी एंड टी स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो गया, यही रो के मिडिल में बैठे हुए हैं। चलिए ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है आपका 8 पीपल एच आई जे के एल एम एन एंड ओ आर सीटेड इन अ रो, एम ए सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ जे, के सिटिंग नेक्स्ट टू आई बट नॉट एडजेसेंट टू एन, ओ सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एल, हु इज सिटिंग एट वन ऑफ द एंड्स, एन ए सिटिंग बिटवीन एच एंड एम, हु इज सिटिंग ऑन द लेफ्ट एंड। चलिए इसको भी ऐसे कर लेते हैं हम, 8 पीपल हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये आपके 8 पीपल कर दिए मैंने, और इनका ये वाला पार्ट इस तरफ, ये राइट साइड होगा, और ये इनका इस तरफ, जैसा कि मैंने मेंशन किया था पहले ही, ये इनका लेफ्ट साइड हो जाएगा। चलिए क्या क्वेश्चन में कह रहा है, एम ए सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ जे, तो एम ए सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ जे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपका जे कर देंगे और उसके राइट में एम को प्लेस कर देंगे, जैसा क्वेश्चन में कह रहा है। फिर क्या कह रहा है, के सिटिंग नेक्स्ट टू आई, तो के आपका मान लीजिए आई के नेक्स्ट में है, तो नेक्स्ट मैंने इसको प्लेस कर दिया। फिर देखते क्या कह रहा है आपका, बट नॉट एडजेसेंट टू एन, मतलब एन के वो एडजेसेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब इसके आसपास, मतलब एन नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं होगा। और देखते हैं, ओ सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एल, और जो ओ है आपका वो एल के लेफ्ट साइड बैठा हुआ है तीसरे नंबर पे, तो मान लीजिए आपका एल यहाँ पर है, तो उसके थर्ड साइड लेफ्ट साइड में तीसरे नंबर बैठा हुआ है, तो 1 2 3, तो यहाँ पर हम क्या प्लेस कर देंगे आपका ओ, इसका मतलब ओ आपका जो है थर्ड साइड बैठा हुआ है एल के लेफ्ट में, ठीक है। फिर हु इज सिटिंग एट वन ऑफ द एंड्स, ठीक है, वन ऑफ द एंड्स पे बैठा हुआ है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है आपका, एन इज सिटिंग बिटवीन एच एंड एम, एच एंड एम के बीच में आपका क्या बैठा हुआ है एन, तो एन को यहाँ प्लेस कर देंगे और एच आपका यहाँ पर आखिरी में हो जाएगा, और वही हो गया, देखिए एन मिडिल में आ गया आपके एच और एम के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो क्या क्वेश्चन में कह रहा है, हु इज सिटिंग ऑन द लेफ्ट एंड, तो लेफ्ट एंड में सबसे लेफ्ट एंड में देखिए कौन बैठा हुआ है, वो आपका ओ बैठा हुआ है, तो स्टूडेंट आपका सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, ओ जो है बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट में बैठा हुआ है, वही क्वेश्चन में पूछ रहा था। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन लीनियर अरेंजमेंट से रिलेटेड हैं, जो कि आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में स्टूडेंट पूछे रहते हैं। चलिए इतने क्वेश्चन ऐसे ही देखते हैं, इन अ स्ट्रेट लाइन ऑफ पीपल एक्स वाई जेड ए बी सी एंड डी आर सीटेड, वाई इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए एंड इज नॉट एट आइदर एंड, सी इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ डी, बी सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जेड, इफ डी इज एट द एक्सट्रीम राइट हु इज सिटिंग एग्जैक्टली इन द मिडिल। चलिए इसको भी ऐसे करते हैं हम सॉल्व, ये आपका एक्स वाई जेड ए बी सी एंड डी, अब इनकी प्लेसमेंट करेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और ये इस तरफ इनका राइट साइड हो गया, और इस तरफ इनका एज्यूम कर लिया मैंने कि ये लेफ्ट साइड हो गया, और ये उस तरफ फेस करके बैठे हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है आपका वाई इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, तो वाई इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, तो मान लीजिए आपका जो ए है वो यहाँ पर है, तो उसके लेफ्ट साइड ये रहा, उसके थर्ड पे वाई बैठा हुआ है, तो 1 2 3, यहाँ पर आपका वाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्लेस है। फिर क्या कह रहा है, एंड इज नॉट एट आइदर एंड, ठीक है, और जो आपका प्लेस है वो किसी भी एंड के साइड में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मतलब ना यहाँ पर होना चाहिए ना यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है, आपका वाई यहाँ पर और ना यहाँ पर नहीं है, वो यहाँ पर है सेकेंड मोस्ट एंड लेफ्ट के है, ठीक है। सी सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ डी, और क्या कह रहा है, सी आपका जो है डी के लेफ्ट में है, तो मान लीजिए सी सिटिंग लेफ्ट, सी सिटिंग लेफ्ट टू द लेफ्ट ऑफ, सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ डी, मतलब डी के लेफ्ट साइड सी आपका प्लेस है, ठीक है, मैंने उसको सेट करा दिया। फिर क्या कह रहा है आपका, बी सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जेड, बी इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जेड, तो मान लीजिए आपका बी यहाँ पर है मोस्ट एक्सट्रीम लेफ्ट में, तो डी को हम कहाँ प्लेस करेंगे,
ताकि ये फुलफिल हो जाए आपकी, बी इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जेड, तो यहाँ पर आपका जेड आएगा, तभी लेफ्ट साइड में हम तीन बढ़ेंगे तब आपका बी यहाँ पे प्लेस हो जाएगा, 1 2 3, ठीक है। जेड के लेफ्ट साइड तीसरे नंबर पे आपका बी प्लेस हो गया, ठीक है। फिर क्या कह रहा है आपका, इफ़ डी इज़ एट द एक्सट्रीम राइट, ठीक है, डी आपका एक्सट्रीम राइट में है, देन हु इज सिटिंग एग्जैक्टली इन द मिडिल, तो एग्जैक्टली इन द मिडिल कौन हो जाएगा, पहले उसको प्लेस कर लेते हैं जो आपका यहाँ पे मिसिंग है, तो ए बी सी डी, और फिर आपका एक्स मिसिंग है तो एक्स यहाँ पे पहले हम प्लेस कर देते हैं, क्योंकि एक्स ही आपका बच गया था, बाकी सब अपनी जगह पे आके प्लेस हो गए थे। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हु इज सिटिंग एग्जैक्टली इन द मिडिल, तो मिडिल में कौन बैठा हुआ है, तो काउंट कर लेते हैं पहले, 1 2 3 4 5 6 7, तो फोर आपका इसमें मिडिल हो गया क्योंकि ऑड नंबर 7 है, और फोर्थ प्लेस पे कौन है आपका, जेड है, तो स्टूडेंट डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया, जेड, क्योंकि जेड जो है आपका एग्जैक्टली मिडिल में इस पूरी रो में बैठा हुआ है। चलिए ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5 में आपका कह रहा है, फाइव फ्रेंड्स पी क्यू आर एस एंड टी आर सिटिंग इन अ रो, आर सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ क्यू बट नॉट एट द एंड्स, पी इज सिटिंग बिटवीन एस एंड क्यू, टी इज नॉट नेक्स्ट टू पी और एस, हो इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ क्यू। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं वैसे ही, फाइव फ्रेंड्स है तो 1 2 3 4 एंड 5, ये फाइव फ्रेंड्स आपके हो गए, और ये इनका राइट साइड हो गया पार्ट, और इस तरफ वाला इनका लेफ्ट साइड हो गया, और ये उस तरफ फेस करके बैठे हुए हैं। अब क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, आर सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, तो आर ये हो गया आपका और वो एस के लेफ्ट साइड है, आर सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, यहाँ पे आपका क्यू होगा, आर सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, ठीक है, एस नहीं यहाँ पर स्टूडेंट, क्यू होगा, ये क्यू हो गया, ठीक है। और फिर क्या कह रहे हैं, बट नॉट एट द एंड्स, ठीक है, किसी भी एंड में नहीं है, ना इधर है ना इधर है, आपका इस तरफ आर मैंने प्लेस कर दिया, ठीक है। पी इज सिटिंग बिटवीन एस एंड क्यू, पी इज सिटिंग बिटवीन एस एंड क्यू, तो मान लीजिए आपका एस यहाँ पर है, तो पी क्यू और एस के बीच में आपका आ गया। फिर क्या कह रहा है आपका, टी इज नॉट नेक्स्ट टू पी और एस, टी इज नॉट नेक्स्ट टू पी और एस, तो उसका मतलब आपका टी जो रिमेनिंग है वो यहाँ पर आ जाएगा, और वो पी और एस के आसपास भी नहीं है, ना नेबर है उसका, उससे बहुत ही काफ़ी दूर है, मतलब बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट में है, और कहाँ आपका पी और एस बिल्कुल एक्सट्रीम राइट में है, तो ये भी फुलफिल हो रहा है आपका। फिर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपका, हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ क्यू, तो इमीडिएट राइट ऑफ क्यू कौन है बताइए, ये आपका स्टूडेंट है पी, क्योंकि क्यू के इमीडिएट राइट में जब आप आएंगे इस तरफ तो आपका कौन आए, पी है आपका, और मोस्ट एक्सट्रीम राइट में एस है, लेकिन इसमें केवल पूछ रहा है इमीडिएट राइट ऑफ क्यू, तो आपका स्टूडेंट पी आंसर हो जाएगा, तो डी ऑप्शन आपका स्टूडेंट बिल्कुल करेक्ट हो गया, तो पी जो है आपका इमीडिएट राइट ऑफ क्यू है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस लीनियर अरेंजमेंट से रिलेटेड, जो कि आपके सीटिंग अरेंजमेंट में स्टूडेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं आपके सर्कुलर अरेंजमेंट से रिलेटेड, है एट फ्रेंड्स ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच आर सेटिंग इन अ सर्कल, ठीक है, पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं हम अच्छा सा, ये आपका सर्कल हो गया और एट फ्रेंड्स है, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये आपके एट फ्रेंड्स सर्कल के अकॉर्डिंग बैठे हुए हैं, सर्कल के अराउंड। क्वेश्चन का कह रहा है, ए इज सिटिंग बिटवीन बी एंड सी, पहले हम ये चीज़ इमेजिन कर लेते हैं कि जो इस तरफ बैठे हुए हैं इनके लिए इस तरफ वाली जो साइड होगी वो राइट साइड होगी, और जो इस तरफ वाली साइड होगी वो लेफ्ट होगी, लेकिन इस तरफ अपोजिट हो जाएगा, उनके लिए इस तरफ जो बैठे होंगे उनके लिए इस तरफ वाली साइड लेफ्ट हो जाएगी, और इस तरफ वाली साइड स्टूडेंट क्या हो जाएगी, राइट हो जाएगी। अब क्वेश्चन पढ़ते क्या कह रहा है, क्वेश्चन का कह रहा है, ए इज सिटिंग बिटवीन बी एंड सी, तो यहाँ पर हम ए को प्लेस करते हैं और बी और सी, ए जो है बी और सी के बिटवीन हो जाएगा, जैसा क्वेश्चन में कह रहा है, ए इज सिटिंग बिटवीन बी एंड सी, फिर क्या लिखा हुआ है, जी इज सिटिंग अपोजिट टू ई, तो जी को यहाँ प्लेस कर देते हैं और जी के अपोजिट बिल्कुल हम ई कर देंगे, ठीक है, उसके बिल्कुल विपरीत हो जाएगा आपका, तो जी के बिल्कुल अपोजिट ई आ जाएगा, फेस टू फेस बैठे हुए हैं एक दूसरे को देख रहे हैं। फिर आपका क्या कह रहा है, डी इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, तो ई के लेफ्ट में क्या बैठा हुआ है, डी, तो डी को यहाँ पर हम प्लेस कर देंगे स्टूडेंट। और फिर कह रहा है, एच इज अपोजिट टू सी, सी के अपोजिट एच कह रहा है इसमें, तो एच को यहाँ प्लेस कर देंगे। और फिर आपका क्या बच रहा है, आपका बच रहा है यहाँ पर एफ, तो एफ को
एज अ क्वेश्चन अकॉर्डिंग यहाँ पर बैठा देंगे हम। और फिर क्वेश्चन में आपका पूछ रहा है विच टू फ्रेंड्स आर सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर, तो एक दूसरे के विपरीत कौन बैठे हुए हैं स्टूडेंट, ये हमको पता लगाना है। तो ऑप्शन में देखते हैं पहले, ये ऑप्शन कह रहा है आपका ई एंड सी, ई एंड सी, नहीं ये तो नेबर हो गए, ये तो अपोजिट बिल्कुल नहीं बैठे हुए हैं, तो आपका ऑप्शन ए गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन आपका देखते हैं एफ एंड ए, एफ एंड ए, हाँ ये बिल्कुल अपोजिट बैठे हुए हैं एक दूसरे के, एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, तो आपका ये बी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो गया। ऐसे सी ऑप्शन देखते हैं बी एंड एच, बी एंड एच, नहीं ये तो बिल्कुल अपोजिट नहीं है, एच के तो अपोजिट आपका सी है और बी के अपोजिट आपका डी है, तो ये आपका गलत हो गया। तो डी ऑप्शन देखते हैं जी एंड डी, जी एंड डी, नहीं ये भी बिल्कुल अपोजिट नहीं है, जी के अपोजिट तो आपका ई है, तो ये भी गलत हो गया। तो सुन आपका बी ऑप्शन जो है एफ एंड ए बिल्कुल करेक्ट हो गया इस क्वेश्चन में। चलिए ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेवन्थ क्वेश्चन आपका कह रहा है देयर आर सिक्स पीपल एक्स वाई जेड पी क्यू एंड आर सिटिंग इन अ सर्कल फेसिंग द सेंटर, आर इज सिटिंग नेक्स्ट टू वाई, वाई इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू जेड, क्यू इज सिटिंग अपोजिट टू पी एंड इज नेक्स्ट टू एक्स, देन हु इज सिटिंग टू द राइट ऑफ आर। तो इसमें वैसे ही वही केस है आपका, सर्कुलर अरेंजमेंट वाला केस है आपका, सर्कुलर अरेंजमेंट वाला केस है। इसमें भी हम सर्कल पहले फॉर्म कर लेंगे, ये लीजिए मैंने सर्कल फॉर्म कर लिया, और फिर सिक्स पीपल अकॉर्डिंग हम बिठा देंगे, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, सिक्स पीपल आपके हो गए। और फिर कह रहा है आपका आर इज सिटिंग नेक्स्ट टू वाई, आपका कह रहा है तो आर इज सिटिंग नेक्स्ट टू वाई, वाई के नेक्स्ट कर दिया मैंने, ये इस तरफ वाला पोर्शन लेफ्ट हो जाएगा जो इस तरफ बैठे हुए हैं, और जो इस तरह वाला जो होगा साइड वो राइट हो जाएगी। और ये क्वेश्चन आपका सर्कुलर अरेंजमेंट से रिलेटेड है, सीटिंग अरेंजमेंट का, और जो इस तरह बैठे हुए हैं इनके लिए ये साइड लेफ्ट हो जाएगी और ये वाली साइड राइट हो जाएगी। स्टूडेंट आपको जब डायग्राम बनाएंगे आप तो आपको ये चीज़ मेंशन करनी पड़ेगी, तभी आप इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आप कन्फ्यूज़ रहेंगे और कुछ और ऑप्शन टिक करके चले जाएंगे एग्ज़ाम में, फिर आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो ऐसा आपको डायग्राम बना लेना है, फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपका, आर इज सिटिंग नेक्स्ट टू वाई, तो आर के नेक्स्ट में हमने वाई को बैठा दिया लेफ्ट साइड, ठीक है। और फिर कह रहा है आपका वाई इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू जेड, वाई आपका जेड के नेक्स्ट नहीं बैठा हुआ है, मतलब इस प्लेस में आपको जेड को नहीं बैठाना है, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है हम जेड को नहीं बैठाएंगे यहाँ पर, और बाकी ये तीन जगह पर हम बैठा सकते हैं जेड को, लेकिन इस पोजिशन पर हमको जेड को नहीं बैठाना है, ठीक है। फिर आपका कह रहा है क्यू इज सिटिंग अपोजिट टू पी एंड इज नेक्स्ट टू एक्स, तो क्यू इज सिटिंग आपका अपोजिट टू पी, इस केस में मान लीजिए आपका क्यू यहाँ पर है, तो क्यू इज सिटिंग अपोजिट टू पी, ठीक है, क्यू के अपोजिट मैंने पी कर दिया, एंड इज नेक्स्ट टू एक्स, तो नेक्स्ट टू एक्स कह रहा है आपका, तो जो क्यू आपका अपोजिट बैठा हुआ है पी के, वो एक्स के नेक्स्ट पे भी है, तो एक्स के नेक्स्ट आपका लेफ्ट साइड कर दिया मैंने उसके, क्यू के राइट साइड आपको उसके नेक्स्ट कर दिया मतलब, तो यहाँ पे एक्स हो जाएगा आपका। फिर क्वेश्चन आपका पूछ रहा है हु इज सिटिंग टू द राइट ऑफ आर, पहले देखते हैं कौन यहाँ पे मिसिंग है, यहाँ पे मिसिंग आपका क्या हो रहा है, एक्स वाई जेड आपका मिसिंग है मेरे हिसाब से, तो जेड को हम फाइनली यहाँ पर प्लेस कर देंगे, तो अब सारे पीपल यहाँ पर सेटिंग अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग प्लेस हो चुके हैं। अब क्वेश्चन है आपका पूछ रहा है हु इज सेटिंग टू द राइट ऑफ आर, तो आर के राइट पे स्टूडेंट कौन है, आर के राइट साइड जब हम आएंगे इस तरफ तो आपका क्यू मिलेगा, तो आर के राइट साइड बिल्कुल आपका क्यू है, तो डी ऑप्शन आपका स्टूडेंट बिल्कुल करेक्ट हो गया, इसका मतलब आर के राइट साइड आपका क्यू प्लेस है। चलिए नेक्स्ट, तो चलिए स्टूडेंट ऐसे ही आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ सर्कुलर टेबल ए बी सी डी ई एंड एफ आर सिटिंग, ए इज सिटिंग अपोजिट टू सी, ई इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ डी, हु इज नेक्स्ट नॉट नेक्स्ट टू ए, इफ बी इज सिटिंग नेक्स्ट टू ए हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई। चलिए वही केस है आपका सर्कुलर अरेंजमेंट से रिलेटेड, तो हम एक सर्कुलर टेबल पहले ड्रॉ कर लेंगे, और सिक्स पीपल हैं इसमें, तो ठीक है वन टू थ्री फोर फाइव और ये सिक्स हो गए, ठीक है उनको एक एक करके प्लेस करेंगे, और जो इस तरफ जो बैठे हुए हैं इनके लिए इस वाली ये वाली साइड राइट हो जाएगी, और ये वाली साइड इनके लिए लेफ्ट साइड मानी जाएगी, और ऐसे ही यहाँ पे इधर अपोजिट हो जाएगा जो इस तरफ बैठेंगे उनके लिए इस तरफ राइट हो जाएगा और इस तरफ जो है लेफ्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है आपका फिगर ड्रॉ करने के बाद, ए इज सिटिंग अपोजिट टू सी, तो ए इज सिटिंग अपोजिट टू सी, इस केस में हम देखते हैं आपका
ए को अपोजिट कर देंगे सी के, ठीक है। ई इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ डी, तो ई जो है ई को हम प्लेस करेंगे इमीडिएट राइट ऑफ डी, डी के बिल्कुल इमीडिएट राइट में, ई के डी के बिल्कुल इमीडिएट राइट में आपका ई प्लेस हो जाएगा। फिर आपका कह रहा है हु इज़ नॉट नेक्स्ट टू ए, ठीक है, जो मैंने प्लेस किया आपका ई है डी के इमीडिएट राइट में, वो नेक्स्ट टू ए नहीं है, इसके नेक्स्ट टू सी है, ठीक है, ये भी फुलफिल हो रहा है आपका, इसके नेक्स्ट टू ए नहीं है, नॉट नेक्स्ट टू ए क्वेश्चन में कह रहा है आपका। फिर आपका कह रहा है इफ़ बेस बी इज़ सिटिंग नेक्स्ट टू ए, तो यहाँ पे अब बी हो जाएगा आपका, क्वेश्चन में कह रहा है बी इज सिटिंग नेक्स्ट टू ए, देन हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई, ठीक है। पहले देखते हैं आपके यहाँ पर क्या होगा, क्या मिसिंग है यहाँ पर, ए बी सी डी ई, यहाँ पर आपका एफ आ जाएगा जो कि मिसिंग है, क्योंकि बाकी के सारे आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्लेस हो गए थे। तो क्वेश्चन में कह रहा है आपका हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई, तो ई कहाँ गया आपका, ई आपका ये है, और ई के इमीडिएट राइट में आपका क्या है, ई के इमीडिएट राइट में जब आप आएंगे तो आपको सी मिलेगा, तो ऑप्शन आपका ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो गया, सी जो है ई के इमीडिएट राइट में बैठा हुआ है। ऐसे आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है आपका सेवन कलीग्स ए बी सी डी ई एफ एन जी आर सीटेड इन अ सर्कल, ए इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी, डी इज अपोजिट टू एफ, ई इज सिटिंग नेक्स्ट टू डी बट नॉट नेक्स्ट टू जी, हु इज अपोजिट टू सी, हु सिट्स नेक्स्ट टू जी। चलिए इसमें टेबल बना लेते हैं, पहले सर्कुलर टेबल आपका, एक सर्कल फॉर्म कर लेते हैं, और फिर कितने ए बी सी डी ई एफ जी, और सेवन है तो एक मिसिंग हो जाएगा, एट पे पूरा फुल होता है, ठीक है। क्वेश्चन का कह रहा है ए इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी, तो इस तरफ वाला जैसा मैंने बताया था ये राइट हो जाएगा, ये इस तरफ वाला लेफ्ट हो जाएगा, इस तरफ अपोजिट बिल्कुल होगा, इस तरफ वाला लेफ्ट हो जाएगा, और अब इस तरफ वाला जो है राइट हो जाएगा, तो इस तरफ लोग बैठेंगे। अब क्वेश्चन में कह रहा है ए इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी, तो ए को बी के बिल्कुल राइट कर देंगे, ए इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी, बी के राइट में ए मैंने प्लेस कर दिया है। फिर आपका कह रहा है डी इज अपोजिट टू एफ, डी के अपोजिट एफ कर देंगे, मान लीजिए आपका यहाँ पे डी है तो डी के बिल्कुल अपोजिट एफ कर देंगे हम, ठीक है, कर दिया मैंने। फिर आपका कह रहा है ई इज सिटिंग नेक्स्ट टू डी, ई इज सिटिंग नेक्स्ट टू डी, तो ई को यहाँ पर प्लेस कर देंगे जो कि डी के नेक्स्ट में है, बट नॉट नेक्स्ट टू जी, मतलब जी के नेक्स्ट में आपका नहीं होना चाहिए ई, ई जो आपका नेक्स्ट टू डी बैठा हुआ है वो जी के नेक्स्ट में नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब यहाँ पर आपका जी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब जी आपका कन्फर्म है यहाँ पर होगा, बट नॉट नेक्स्ट टू जी, हु इज अपोजिट टू सी, ठीक है, मतलब जी जो है ई के नेक्स्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन जी का अपोजिट क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए, तो सी आपका स्टूडेंट यहाँ पर होगा और जी यहाँ पर होगा। अब सारी अरेंजमेंट अच्छे से हो गई है, अब क्वेश्चन ने पूछ रहा है हु सिट्स नेक्स्ट टू जी, मतलब जी के नेक्स्ट में आपका कौन बैठा हुआ है, या तो बी बैठा हुआ है या तो डी बैठा हुआ है जी के नेक्स्ट में, तो ऑप्शन में तो डी है नहीं, तो बी को हम टिक कर देंगे, जी के नेक्स्ट में आपका बी है, मतलब सी ऑप्शन आपका बिल्कुल स्टूडेंट करेक्ट हो गया, तो जी के नेक्स्ट में आपका बी बैठा हुआ है, सी ऑप्शन स्टूडेंट आपका करेक्ट हो गया। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है इन अ सर्कुलर अरेंजमेंट देयर आर एट मेंबर्स, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, मेंबर सिक्स इज सिटिंग बिटवीन मेंबर्स 4 एंड 7, मेंबर टू इज अपोजिट मेंबर 3, 5 इज सिटिंग नेक्स्ट टू 2 बट नॉट नेक्स्ट टू 4, 8 इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ 7, विच टू मेंबर्स आर एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर। इस केस में हम ड्रॉ कर लेते हैं एक सर्कल, सबसे पहले इस तरह वाला पोर्शन, वही केस, राइट, इस तरह वाला लेफ्ट, और इस तरह वाला लेफ्ट, और अब इस तरफ वाला आपका राइट हो जाएगा, और टोटल 8 मेंबर्स हैं, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, और ये आपका हो गया 8, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपका, मेंबर सिक्स इज सिटिंग बिटवीन मेंबर्स 4 एंड 7, मान लीजिए आपका सिक्स यहाँ पर है तो 4 एंड 7 आपके यहाँ पर होंगे, क्योंकि सिक्स 4 एंड 7 के बिटवीन बैठा हुआ है, ठीक है, मेंबर आपका फोर, मेंबर सिक्स जो है आपका 4 एंड 7 के बिटवीन बैठा हुआ है, ठीक है। मेंबर टू इज अपोजिट मेंबर टू 3, तो मेंबर टू आपका अगर आप यहाँ पर है तो उसके अपोजिट क्या हो जाएगा, मेंबर 3 हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर
फिर कह रहा है आपका फाइव इज सेटिंग नेक्स्ट टू टू, तो फाइव आपका यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि फोर तो इधर ऑलरेडी है, तो टू के नेक्स्ट में आपका फाइव यहाँ पर प्लेस हो जाएगा, बट नॉट नेक्स्ट टू फोर। हाँ ठीक है, जो आपका फाइव प्लेस मैंने किया है टू के नेक्स्ट में, वो फोर के नेक्स्ट नहीं होना चाहिए, तो फोर के नेक्स्ट बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये भी फुलफिल हो रहा है। फिर आपका कह रहा है एट इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ सेवन, एट जो है आपका वो सेकेंड लेफ्ट ऑफ सेवन है, तो सेकेंड लेफ्ट ऑफ सेवन चलेंगे हम, वन टू, तो सेवन के लेफ्ट में जब आएंगे तो यहाँ पर आपका एट होना चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, सेकेंड लेफ्ट ऑफ सेवन, वन एंड टू, तो सेकेंड लेफ्ट ऑफ सेवन आपका एट यहाँ पर प्लेस हो गया। फिर आपका क्वेश्चन में पूछ रहा है विच टू मेंबर्स आर एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर, पहले इसको हम फुल फुल कर लेते हैं। आपका क्या मिसिंग हो रहा है, आपका यहाँ पे वन मिसिंग हो रहा है क्योंकि बाकी नंबर्स आपके एग्जैक्टली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अरेंज हो चुके हैं। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है विच टू मेंबर्स आर एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर, तो ऑप्शन में मैच करते हैं, फिर देखते हैं कि आपका अपोजिट कौन से मेंबर्स आपके बैठे हुए हैं आसपास एक दूसरे के। ठीक है, देखते हैं फिर, फाइव एंड टू, फाइव एंड टू के आपके अपोजिट हैं, ये तो बिल्कुल भी अपोजिट नहीं है, तो ये तो आपके नेबर हो गए, तो आपका ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया। फोर एंड एट, हाँ ये आपके अपोजिट हैं, ये देखिए एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत बैठे हुए हैं, अपोजिट बैठे हुए हैं, तो आपका बी ऑप्शन स्टूडेंट बिल्कुल करेक्ट हो गया, फोर एंड एट। वन एंड सेवन देखते हैं, नहीं वन एंड सेवन तो बिल्कुल नहीं है, वन के अपोजिट तो आपका सिक्स हो गया, तो ये गलत हो गया। फाइव एंड थ्री, फाइव के अपोजिट आपका सेवन है, तो ये भी गलत हो गया, तो आपका स्टूडेंट सी, ये बी ऑप्शन जो है फोर एंड एट, ये बिल्कुल स्टूडेंट करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है आपका एम एन ओ एस टी एंड यू आर सिटिंग इन अ सर्कल फेसिंग द सेंटर, एस इज बिटवीन एन एंड यू, एम इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एस एंड सेकेंड टू द राइट ऑफ टी, हु इज एट इमीडिएट नेबर ऑफ एन हुज फेस इज टूवर्ड्स एस। चलिए इसमें भी हम ड्रॉ कर लेते हैं एक सर्कल आपका, सबसे पहले ये मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया और इस तरह हमारा पोर्शन इनका राइट हो जाएगा, इस तरफ वाला लेफ्ट हो जाएगा, वहीं इस तरफ वाला जो इस तरफ लोग बैठेंगे उनका ये लेफ्ट हो जाएगा और इस तरफ राइट हो जाएगा। इसमें आपको सबसे पहले ये ड्रॉ कर लेना है, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के बारे में सोचना है, तभी आप इसको आसानी से कर सकते हैं, नहीं तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि इधर राइट होगा कि इधर लेफ्ट होगा क्या होगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम, एस इज़ बिटवीन एन एंड यू, तो एस इज़ बिटवीन एन एंड यू, तो एस मान लीजिए आपका पहले हम कितने यहाँ पे हैं एम एंड ओ एस टी एंड यू, ठीक है फिर हम ऐसे कर लेते हैं इसको, वन टू थ्री फोर और ये फाइव और ये सिक्स, सिक्स आपके मेंबर्स हैं मान लीजिए वो सर्कल में बैठे हुए हैं, एस इज़ बिटवीन एन एंड यू, तो मान लीजिए आपका एस यहाँ पर है तो एन यू यहाँ पर होगा क्योंकि एस एन और यू के बिटवीन है। फिर आपका कह रहा है एम इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एस, एम इज सेकेंड टू द एस के लेफ्ट चलेंगे, सेकेंड पोजिशन में क्या होना चाहिए आपका एम होना चाहिए, तो एम आपका एस के लेफ्ट साइड सेकेंड नंबर पर आ गया। ठीक है, एंड सेकेंड टू द राइट ऑफ टी, एंड सेकेंड और जो वही आपका जो एम जो एस के लेफ्ट में सेकेंड नंबर पर आ रहा था वही आपका टी के राइट साइड सेकेंड नंबर पर होना चाहिए, इसका मतलब आपका टी यहाँ पर होगा तभी इसके राइट साइड जब हम चलेंगे तो सेकेंड नंबर पर वन टू आपका एम होना चाहिए, तो ठीक है ये भी फुलफिल हो रहा है। हु इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ एन, मतलब टी का नेबर जो है, मतलब एम का नेबर जो है एन होना चाहिए, ठीक है ये भी हो गया, तो सारे के सारे मतलब यहाँ पे फिल हो गए हैं। हु इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ एन, ठीक है एम का नेबर आपका एन है यहाँ पर, तो यहाँ पे मिसिंग आपका हो रहा है ओ, तो ओ को यहाँ पर हम फिल कर देंगे, इसका मतलब स्टूडेंट यहाँ पर आपका ओ होगा और जो एम है आपका उसका तो नेबर आपका ऑलरेडी एन है यहाँ पर, तो जो मिसिंग हो रहा था वो आपका ओ हो रहा था वो मैंने यहाँ पे फिल कर दिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कि बारे सारे क्योंकि बाकी जो हैं आपके सारे वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे अरेंज हो चुके थे। अब क्वेश्चन आपका पूछ रहा है हुज फेस इज टूवर्ड्स एस, तो एस के टूवर्ड्स आपका फेस किसका है, वो ओ का है आपका, क्योंकि देखिए आप बिल्कुल अपोजिट एक दूसरे के बैठे हुए हैं, तो इसका फेस इसके अपोजिट बिल्कुल एक दूसरे को ये विपरीत बैठे हुए हैं फेस करके, तो आपका एस के अपोजिट क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा, मतलब आपका डी ऑप्शन जो है स्टूडेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ओ जो है वो एस के टुवर्ड्स फेस करके बैठा हुआ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, के एल एम एन ओ पी एंड क्यू आर सेटिंग इन अ सर्कल फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, एम इज इमीडिएट राइट ऑफ एन, एल एंड ओ आर नेबर, क्यू इज बिटवीन ओ एंड पी, के इज सेटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, हु इज सेकेंड टू द राइट ऑफ एल, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम।
सर्कल फॉर्म करके, ये रहा सर्कल मेरा, और इसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं हम। ये मैंने ड्रॉ कर लिया, और जो इस तरह वाला जो होगा पोर्शन वो राइट होगा, इस तरह वाला लेफ्ट होगा जो इस तरह बैठेंगे आपके स्टूडेंट्स, और इस तरह वाला लेफ्ट हो जाएगा और इस तरह वाला राइट हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। क्वेश्चन आपका कह रहा है एम इज इमीडिएट राइट ऑफ एन। तो मान लीजिए आपका एम यहाँ पर है, तो एन इस तरफ होगा क्योंकि एम जो है एन के इमीडिएट राइट होना चाहिए। तो एन के इमीडिएट राइट, एन के राइट में आइए आप, इमीडिएट राइट में एम आपका मैंने प्लेस कर दिया। फिर आपका कह रहा है एल एंड ओ आर नेबर, एल एंड ओ आर नेबर, तो एल एंड ओ को यहाँ पर प्लेस कर देंगे हम, दोनों एक दूसरे के नेबर हैं, ठीक है। फिर आपका कह रहा है क्यू इज़ बिटवीन ओ एंड पी, क्यू इज़ बिटवीन ओ एंड पी, मान जब का ओ एंड पी यहाँ पर है तो क्यू उसके बिटवीन हो जाएगा, इसके बीच में आ जाएगा, ठीक है। फिर आपका कह रहा है के इज़ सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, तो क्यू के लेफ्ट चले पहले, क्यू का लेफ्ट तो इस तरफ हो गया, तो तीसरे नंबर पर क्या बैठा हुआ है, वो आपका बैठा हुआ है के, तो के को हम प्लेस कर देंगे 1, 2 एंड 3, तो यहाँ पर आपका के आ जाएगा। फिर आपका कह रहा है क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हु इज सेकेंड टू द राइट ऑफ एल, तो सेकेंड टू द राइट ऑफ एल, राइट ऑफ एल क्या है, राइट ऑफ एल आपका इस तरफ है, तो उसका सेकेंड क्या बैठा हुआ है, वो आपका क्यू बैठा हुआ है, क्योंकि वन पे ओ है और सेकेंड पे क्या है क्यू है, तो एल के सेकेंड राइट पोर्शन पे आपका क्यू बैठा हुआ है, तो आपका सी ऑप्शन जो है स्टूडेंट बिल्कुल करेक्ट हो गया, एल जो है आपका, क्यू जो है आपका जो है सेकेंड राइट में एल के बैठा हुआ है। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके लीनियर अरेंजमेंट और सर्कुलर अरेंजमेंट के कुछ सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस और उन्हें सॉल्व करने की ट्रिक्स जो कि आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे रहते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही बेहतरीन रीजनिंग ट्रिक्स के बारे में और जानने के लिए आप हमारे चैनल रैंकिंग पीडिया एजुकेशन को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।